से हवा भी काफी तेज दे रहा है, क्या पूछना है गाइस, बहुत तेज हवा दे रहा है, वैसे आप देख रहे गाइस काफी तेज हवा दे रहा है। हाँ मेरे पास भी लग रहा है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है यहाँ पर दो तरह के 775 डीसी मोटर, आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये वाला बिल्कुल से नया है, मैंने मार्केट से लेकर आया है 75 रुपए का इसको, और ये गाइस इसके आरपीएम जो है वो 7000 आरपीएम है, ये 12 वोल्ट पे आसानी से चल जाता है। और ये वाला गाइस पुराना मोटर था तो इसको मैंने ठीक किया है 555 डीसी मोटर को, यानी कि ये वाला जो 555 डीसी मोटर है इसको मैंने खराब किया, तो इसके शाफ्ट निकाल के इसके अंदर मैंने रोटर को लगा दिया है और 27 गेज की कॉपर वायर को यूज करके इसको वाइंडिंग कर दिया, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो डबल हो गया है, यानी कि ये 15000 आरपीएम तकरीबन इसकी आरपीएम है, स्पीड बहुत हाई है गाइस इसका। तो अब हम इस वाले मोटर को और इस वाले मोटर को एक शाफ्ट के साथ से लगा देंगे, जोड़ने के बाद इसके अंदर हम दो मोटर पर एक फैन लगाने वाले हैं, यानी कि दो मोटर जोड़ने के बाद एक फैन लगाएंगे इस तरह से, और फिर देखते हैं इसकी स्पीड कितनी होती है, क्या ये 22000 आरपीएम पर चल पाएगा या फिर नहीं चलेगा, और चलेगा इस तो कितना हवा देगा, ये चीज़ें देखने वाले हैं। तो यार ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही काम का होने वाला आपके लिए, तो आप लोग भी इसको बना सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले यार आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब इस तरह की वीडियो बनाए तो आप तक इसको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देखते हुए। तो दोस्तों एक बार मैं इन दोनों मोटर का आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसकी आवाज़ के हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीड किसकी ज़्यादा है। तो ये वाला मार्केट वाला है और इसको मैंने घर पर ही ठीक किया है, यानी कि रिपेयर करके अपग्रेड कर दिया है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो अब मैं इसको मार्केट वाला पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ और फिर आपकी आवाज़ सुनकर आप लोग बताना कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है या कौन ज़्यादा स्पीड में है। तो यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी सेम रहेगा, बस मोटर अलग अलग है टेस्टिंग के लिए, वरना ये लगे कि गाइस बैटरी में चार्जिंग नहीं था, तो ये बात अलग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब मैंने इसको लगा दिया है, अब आप लोग इसकी आवाज़ सुनना। यहाँ पर मैं यहाँ पर माइक को रख दिया हूँ मैं यहाँ पर, और अब आप लोग सुनना आवाज़ को। तो दोस्तों आपने इसका आवाज़ सुन लिया कितना तेज गाइस इसका आवाज़ है, लेकिन फिर भी गाइस ये इसकी स्पीड जो है ये स्लो है, सिर्फ 7000 आरपीएम है इसका, इसलिए कोई खास आवाज़ इसके अंदर नहीं क्रिएट हो पा रही है, नॉर्मल स्पीड रहा इसका जो कि नया है बिल्कुल से। लेकिन अब दोस्तों इसकी आवाज़ की बारी है, अब आप लोग इसकी आवाज़ सुनना, उसके बाद बताना कि किसकी ज़्यादा आवाज़ है। तो ये वाला घर पर मैंने जो ठीक किया है मोटर को, अब देखना। तो दोस्तों आपने देखा कितना ज़्यादा आवाज़ है गाइस, जो कि मैंने हाथ से इसको ठीक किया है यानी कि रिपेयर किया है। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कौन मोटर ज़्यादा पावरफुल है और किसकी स्पीड ज़्यादा है, इसके टॉर्क भी बहुत हाई है गाइस जिसको मैंने ठीक किया है। तो अब हम दोनों मोटर को आपस में एक शाफ्ट की सहायता से इसको जोड़ लेंगे। तो यह है मेरे पास एक शाफ्ट है इसका, इसको मैं इसकी सहायता से दोनों मोटर के शाफ्ट को आपस में जोड़ लूँगा, ताकि दोनों का पावर एक साथ हो जाए, बढ़ जाए पावर दोनों के साथ। इस तरह से दोस्तों हमने इसके शाफ्ट को लगा दिया काफी अच्छे तरीके से, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम इसके शाफ्ट को भी लगा लेते हैं इस वाले मोटर को, इस तरह से इसके अंदर डालने के बाद। तो इन दोनों के शाफ्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके अंदर बारीकी से दोनों का शाफ्ट इसके अंदर जाने के बाद बीच में जुड़ गया है, तो अब ये काफ़ी मजबूती के साथ जुड़ चुका है। यहाँ पर हम इसको घुमाएंगे तो ये इसका टॉर्क जो है बिल्कुल सेम हो जाएगा दोनों के साथ। तो अब हमें इस तरह से एक लकड़ी लेना है, इस पर अच्छे तरीके से चिपका देना है यहाँ पर। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैं इस वाली लकड़ी को कटिंग कर लूँगा, इतने हिसाब से आप इसको पलटे के साथ नाप सकते हैं, वरना इसमें नापने की कोई जरूरत है, आप मोटर के हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पर इसकी साइज़ को। तो दोस्तों हमने फाइनली इसको कटिंग कर लिया है, अब इसको हम चिपका देंगे इसके ऊपर लगाने के बाद इस तरह से यहाँ पर अच्छे तरीके से सुपर ग्लू से फिक्स हो गया, इसको हम सुपर ग्लू से इस पर चिपका देंगे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर।
इस पे हमें सुपर ग्लू को लगा देना है। तो दोस्तों अब हमें इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला कॉपर वायर है जो कि काफ़ी पतला है, तो इसको मैं सिंपली इसके अंदर लगाकर जोड़ लूँगा किसी भी तरह से वायर को। मान लीजिए मैं इस पर जोड़ लेता हूँ, इतना बड़ा बड़ा है इसका टर्मिनल्स जो है, यही काफ़ी है। तो इस तरह से जोड़ लिया है। अब दोस्तों इसके कनेक्शन को सही से करने के लिए मैं चेक कर लूँगा मोटर को चला किस साइड में कौन सा मोटर चल रहा है, और अगर मान लीजिए इसको लगाया तो इस तरफ से चलना चाहिए। ये इस तरफ से चल रहा है, मतलब तो इस पर जोड़ने के लिए यार मैं यहाँ पर हैवी कॉपर वायर को जोड़ रहा हूँ ताकि लोड चाहे जितना भी इस पर पड़े ये संभाल ले जाए लोड को आसानी से। एक वायर यहाँ पर जोड़ दिया, दूसरा वायर इस साइड में जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से वायर को जोड़ लिया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं किस साइड से चल रहा है शाफ्ट को। यार ये वाला कनेक्शन बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो इसका प्लस वाला पॉइंट है इसको हमें सिंपल इस साइड से जोड़ लेना है इसके इस वाले वायर पर। तो इस तरह से मैंने दोनों मोटर कनेक्शन कर दिया, आप देखते हैं यहाँ पर। अब इसको मैं चला कर देखता हूँ कि दोनों का साथ एक साथ सॉफ्ट दोनों को चल रहा है कि नहीं मोटर का। तो दोस्तों फाइनल हमने इस पे इसका कनेक्शन कर दिया काफ़ी अच्छे तरीके से, आप देखते हैं यहाँ पर। इसका सॉफ्ट भी काफ़ी अच्छे तरीके से चिपका दिया सुपर ग्लू से ताकि हिले ना बाद में, स्पीड की वजह से ये टूट सकता था, इसलिए मैंने इसको चिपका दिया सुपर ग्लू की सहायता से। आप देखते हैं यहाँ पर इसका कनेक्शन कर दिया, इस वजह से सिंपल वाला आखिर यहाँ पर जोड़ दिया, इसका इस तरफ जोड़ दिया। तो अब ये दोनों मोटर एक साथ घूमेंगे और इसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक बांस का टुकड़ा इस पर लगा कर चिपका देंगे ताकि हम किसी स्टैंड में इसको उठाकर इस तरह से लगा दें और फैन लगा कर दिखाते हैं आपको टेस्ट करके। तो सिंपली इसके बीचों बीच में हमें इसके यहाँ पर लकड़ी को सिंपली यहाँ से लगा कर चिपका देना है इस पर सुपर ग्लू की सहायता से। तो यहाँ पर हम सुपर ग्लू का यूज़ करेंगे इसको चिपकाने के लिए। इस तरह से दोस्तों इसके सूखने का वेट रहते हैं जब तक। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, अगर पुराने हो यार तो कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और बहुत ही गज मज़ा आने वाला है। तो वीडियो पूरा देखना, छोड़कर मत भागना, इसके सूखने का वेट कर देना। यहाँ पर इसके अंदर हमें फ़ैन लगा देना है इस पर कुछ इस तरह से सिंपली। इसके अंदर डालने के बाद अच्छे तरीके से स्क्रू को टाइट कर देना है क्योंकि इसका आरपीएम बहुत ही हाई होने वाला है, इसलिए इसका स्क्रू टाइट करना पड़ेगा ठीक से। तो इसको हम इसको ड्राइवर से इस तरह से टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमने इस पर लगा दिया है फ़ैन को। अब ये दोनों शाफ्ट एक साथ घूमते हैं जब इसके हम फैन को घुमाते हैं। तो
आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका फैन घूम रहा है, दोनों शॉट भी घूम रहे हैं एक साथ। अब हम इसको सिंपली स्टैंड पे लगाते हैं, उसके बाद इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हमें इसके स्टैंड के ऊपर इसको लगा देना सिंपली, यहाँ पर इसके अंदर हम इसको लगा देंगे और इस तरह से ये बैठ जाएगा, हमारा डबल मोटर का सिंगल फैन चलेगा और काफ़ी हाई आरपीएम होने वाला है इसका। तो सिंपल इसके अंदर हमें अच्छे से इसको लगा देना है कुछ इस तरह से। वैसे इसका सॉकेट जो है बहुत परफेक्ट बना था, ये बम्बू का बांस है तो इसलिए इसके सॉकेट बहुत आसानी से इसके अंदर फिट, यानी कि फिट हो गया है आसानी से। तो इसको मैंने यहाँ पर फिट कर दिया, इसको घुमाने के बाद यहाँ तक। अब गाइस यहाँ पर ये फैन चलेगा बहुत ही हाई आरपीएम पे, तो चलेगा इसका टेस्ट करते हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। यहाँ पर ये दोनों वायर है सिंपल लगाएंगे तो इसके जो यहाँ पर पावर है इसके दोनों एक मोटर एक साथ चलेंगे, जिसकी वजह से इसकी आरपीएम बहुत ही हाई होने वाला है। तो इसका भी टेस्ट कर लेते हैं, चलिए इसको लगाते हैं 12 वोल्ट की बैटरी। गाइस अब मैं आपको यहाँ पर वायर लगाता हूँ, फिर देखना आप लोग यहाँ पर चलता रहना टेस्ट। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज हवा दे रहा है, यहाँ मेरे पास भी लग रहा है। दोस्तों आपने देखा काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन गाइस जो हमने सोचा था वो वैसा काम नहीं कर रहा है, यानी कि एक मोटर स्पीड बढ़ा रहा है, आगे वाला जो मोटर लगा हुआ है इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है और पीछे वाला स्पीड के साथ आरपीएम था, इसलिए उतना आरपीएम बना नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ये बैटरी ज्यादा लोड ले रहा है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही सारा बैटरी आपका चार्जिंग खत्म हो जाएगा, इतना ज्यादा पावर ले रहा है ये। और इस तरह से इसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मोटर लगा हुआ है तो इसलिए इसका बैटरी बैकअप भी काफी ज्यादा लो कर देता है, ये तुरंत खींच लेता है सारा बैटरी को। तो जिस तरह से मैंने सोचा था उस तरह से काम नहीं करता, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो हमने किया, अगर आप लोगों को करना है तो गाइस आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन अगर घर के लिए चलाने के लिए आप इसको बना रहे हो तो फिर ये नहीं है गाइस, जो भी सही हो बता रहा हूँ। वरना गाइस आप लोग ये सोचो कि यार ये घर में चलाने के लिए काम कर रहा है तो बैटरी सारा चार्जिंग दिन भर का पूरा खत्म हो जाएगा सिर्फ एक मिनट के अंदर, तो ऐसा आप मत बना ये अगर बना रहे हो तो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह की नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।